हाय, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो फिफ्थ लेक्चर आपका एसएससी सीएचएस टाइपिंग टेस्ट फिफ्थ लेक्चर, जो मैंने बताया था कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बेसिक सा है, कोई उसमें कठिन बात नहीं है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हाउ टू बी एक्सपर्ट इन टाइपिंग, आपको टाइपिंग में एक्सपर्ट कैसे होना है। तो टाइपिंग में कैसे एक्सपर्ट होना है भाई, एक्सपर्ट की स्पीड होती है टाइपिंग की 80 वर्ड पर मिनट। एक्सपर्ट नहीं होना, एसएससी सिर्फ इतना चाहता है कि आप टाइपिंग आपकी आती हो, आपको टाइपिंग आती हो, 27 वर्ड पर मिनट, 50 वर्ड पर मिनट उसने मांगा हुआ है। तो आपको एक्सपर्ट नहीं, आपको ये प्रूव करना है आपको टाइपिंग आती। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, मैंने बोला हुआ था अच्छे टाइपिस्ट की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होती है, आप आराम से कर सकते हो ये। तो ये बात ध्यान रखिए कि एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो आपको बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। डोंट वरी, आप 100% क्वालिफाई करेंगे। तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। सबसे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने 4 वीडियो रिलीज करे हुए, जिन्हें आप देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल वो देंगे। ओके, इसके अलावा मैंने SSC CHSL 2016 के लिए एक अप्रॉक्सीमेट मेरिट, मतलब एक्सपेक्टेड मेरिट भी बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट लगभग कितनी जाएगी। CHSL 2018 के लिए भी मैं Tier 1 एंड CGL Tier 1 के लिए भी, ऐसे वगैरह के लिए, Tier 2 के लिए भी मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। चैनल से आप जुड़े रहें, जो कि आपको काफ़ी चीज़ें मिलती रहें। ओके, तो चलते हैं ज़रा। सबसे पहली बात कि टाइपिंग के लिए आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एटमोसफियर और रियल एग्ज़ाम लेवल पे डिपेंड करता है। तो आप अच्छे प्रैक्टिस सेट से, पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अच्छे प्रैक्टिस सेट से टाइपिंग करें। दूसरी बात, टाइपिंग एक अच्छे कीबोर्ड से करें। कीबोर्ड से संबंधित सारी मैंने डिटेल 2nd वीडियो में आपको दी हुई है, आप देख सकते हैं जाके। तो अच्छे कीबोर्ड से टाइपिंग करें। टाइपिंग करते टाइम आप हार्ड कॉपी लें, एक प्रिंटेड पेपर लें, उसे वर्ड पैड पर लिखें। लिखने के बाद उसे पूरा लिखने के बाद कंप्लीट करें। लगभग टाइम बना दीजिए आप 5 मिनट का या 10 मिनट का, कम से कम 10 मिनट का टाइपिंग करनी है। 10 मिनट टाइपिंग करने के बाद, 10 मिनट टाइपिंग करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप आगे चल के अपना वही जो मटेरियल आपने टाइप किया हुआ है उसे आप कट कीजिए। कट करने के बाद विनवर्ड पे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे पेस्ट कीजिए। देखिए आपके कितनी मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको आप देखेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। टाइपिंग करते टाइम आप पेपर तरफ ध्यान दीजिए, हल्का सा स्क्रीन तरफ देखिए, फिर पेपर तरफ देखिए। ऐसे आपका क्या होगा कि जैसे स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी कि स्क्रीन की तरफ देखने के बाद आप भूल जाएंगे आपने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, कहाँ तक आपने टाइप किया हुआ है। लेकिन ये काम आप करेंगे धीमे धीमे, तो एक तो आपकी ऐसा हो जाएगा कि आप बिना स्क्रीन को देखे आराम से टाइपिंग करने लगोगे। दूसरी चीज़ कि पेपर पे नज़र भी जमने लगेगी अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, एक और बात, काफ़ी लोग ये कर देते हैं कि आपको वर्ड पूरे करने या की डिप्रेशन पूरी करनी है, इसके लिए आप कोई भी पैराग्राफ रीटाइप कर दें। ऐसा नहीं है, रीटाइप नहीं कीजिए। रीटाइप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, उसको वो नहीं काउंट नहीं किया जाएगा। पैराग्राफ अगेन एंड अगेन बार बार कुछ टाइप नहीं करना है कि आप, अगर ये चाह रहे हो कि आपका की डिप्रेशन बढ़ जाए, नहीं नहीं ऐसा करने से आपको नुकसान होगा। ओके, तो रीटाइप करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, ट्रिक्स का यूज यहाँ नहीं चलेगा। ओके, तो CHSL की आप अच्छे से तैयारी करें फ्रेंड्स। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शिक्षा मंत्र अकाडमी की तरफ से आपको CHSL CGL 2018 के लिए हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा मैं अभी नंबर सिस्टम पे एक वीडियो डालने वाला हूँ नेक्स्ट, जो आपके एक्सपोनेंट होते हैं और पावर्स होती हैं, हायर पावर वाले आपके सॉल्व होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया वीडियो डालने वाला हूँ, आप उसे देखिए।